नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आंचल टेल्स में। फ्रेंड्स, देसी विंका या फिर सदाबहार, नाम से ही आप पहचान गए होंगे कि हमेशा जो कि सदा हरा भरा रहता है, सदा फूल देता रहता है सदाबहार, जो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। मैं इसकी एक बड़ी सी कटिंग कल शाम को लेकर आई थी, रात को मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया था। आपको कहीं पर भी किसी के घर पे भी लगा हुआ बहुत मिल जाएगा आसानी से, या रोड साइड भी आपको लगे हुए मिल जाते हैं। बीज हवा से स्प्रेड होके गिर जाते हैं तो कहीं पर भी इसके जो है पेड़ निकल आते हैं, और ग्राउंड में तो बहुत ही तेजी से फैलता है। तो आप कहीं से भी ये जो है इसकी कटिंग ला सकते हैं, कई जगह आपको रोड साइड या लोगों के घरों में मिल जाएगी। अब इसकी कटिंग को हम जब ले आए हैं तो हम इसकी कटिंग को हम लगभग 6 से 7 इंच तक इसकी कटिंग को काट लेंगे। इसकी कैसी छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, और सॉफ्ट वुड हो या थोड़ी हार्ड वुड, कैसी भी कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। तो कटिंग को काट के हम नीचे की सारी लीव्स जो हैं वो निकाल लेंगे, जिससे जो है हमारी रूटिंग होने में आसानी हो, क्योंकि लीव्स फिर मिट्टी से टच होंगी फ्रेंड्स, तो फंगस भी क्रिएट करेंगी और जो है हमारी एनर्जी जो है सारी वो इनका फूड बनाने में लग जाएगी, तो रूट्स बनाने में एनर्जी जो है प्लांट की कम लगेगी। इसलिए सारी जो है इसकी लीव्स काट देंगे, बस स्टार्टिंग की 2-4 लीव्स ही छोड़ेंगे। ऊपर टिप में अगर कोई फूल वगैरह हो, देखिए बीज बने हुए हैं, तो इन बीजों को आप ज़रूर काट दीजिए, क्योंकि अगर ये बीज रहेंगे तो ये रूट को बनने नहीं देंगे और सारी एनर्जी ये बीज ही ले लेंगे। तो इन बीजों का खास ध्यान रखिएगा। एक आध फूल हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो फूल तो 1-2 दिन बाद वैसे ही स्पेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स अपनी तैयार कर लेंगे। तो कटिंग से बहुत आसानी से फ्रेंड्स लग जाता है ये प्लांट, और इससे क्या है कटिंग लगाने से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। आप पहले इजी प्लांट के साथ ट्राई करिए, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप बड़े बड़े प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स आपको जो है अपने घर के आसपास ही लगे हुए मिल जाएंगे, उनकी कटिंग्स आप तैयार करके फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा तिरछा सा कट लगाया है मैंने, स्लांटिंग सा, 45 डिग्री कह सकते हैं आप इसको। इस तरीके से कट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे को जो है जड़ बनाने के लिए हमारे डंडी को ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत आसानी से हो जाती है फ्रेंड्स, कुछ कटिंग पानी में भी डालेंगे। और ये मैंने छोटा सा पॉट ले लिया है, मेरा एक 5 से 6 इंच का प्लास्टिक वाला पॉट है, इसमें विंटर के प्लांट्स लगे हुए थे, तो मिट्टी के अंदर जो है इसके कंपोस्ट, थोड़ी सी सैंड वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मिक्स है। मिट्टी को मैंने गीला कर लिया है। कटिंग लगाने से पहले आप हमेशा मिट्टी को गीला कर लें। सूखी मिट्टी में अगर आप कटिंग लगाएंगे और उसके बाद पानी देंगे तो कटिंग के हिलने के चांसेस रहते हैं। अब किसी भी पेन से या किसी भी चीज़ से होल कर लेंगे हम, क्योंकि कटिंग को आप एकदम से इंसर्ट नहीं करेंगे, पहले होल बना लेंगे, उसके बाद ही हम कटिंग को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे हमारी कटिंग के ऊपर के जो भी टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं हों। अब यहाँ पे मैं रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर रही हूँ, कटिंग एड। वैसे आप एलोवेरा जेल या फिर जो है हनी का यूज़ भी कर सकते हैं, या दालचीनी पाउडर का, लेकिन मेरे पास फ्रेंड्स कटिंग एड है। तो अब जब मैंने डिब्बी मंगाई ली है तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, क्योंकि इससे रूट जो है हमारी थोड़ी सी फास्ट डेवलप होती हैं और कटिंग लगने के चांसेस हमारे थोड़े से बढ़ जाते हैं। वैसे विंका की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, बस बरसातों का मौसम या बहारों का मौसम, बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक सर्दी में नहीं लग पाती है कटिंग। थोड़ा सा इसको गीला करेंगे और अच्छे से कटिंग एड में, या फिर सेम ये प्रोसीजर आपको एलोवेरा जेल के साथ भी करना है, मैं आपको वो भी लगाना सिखाऊंगी एलोवेरा जेल के साथ। और बस लगभग 2-3 नोड एरिया अंदर डालते हुए हम इसको लगा लेंगे और साइड से हल्का सा प्रेस कर देंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स कटिंग लगाना, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में अगर आप समझिए, अगर आपने 10 कटिंग लगाई हैं उसमें से आपकी अगर 3 कटिंग भी लग जाती हैं तो आप अपने आप को बहुत लकी मानिए, क्योंकि कटिंग इतनी आसानी से नहीं भी लगती है। बहुत बार कटिंग लगा के अगर आपने जो है बार बार उसको हिलाया तब भी कटिंग नहीं लगेगी, अगर आपने उसको धूप में रख दिया तेज़ तब भी आपकी कटिंग सूख जाएगी, या मिट्टी आपकी सूख गई है, नमी नहीं बनी हुई है, तब भी आपकी कटिंग सूख जाएगी। अब देखिए हमने सारी कटिंग्स लगा ली हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तभी मैंने आपसे कहा कि आप शुरुआत में छोटे छोटे जो है बहुत आसानी से लगने वाले पौधों की कटिंग से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे कटिंग लगा लगा के आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 4 में से 1 कटिंग या 6 में से 1 कटिंग आपकी लगी जाएगी, और जब आप कटिंग लगाना ऐसे धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आप और भी बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। अब इसमें नमी हल्की सी बनाए रखेंगे और इसको 6 से 7 दिन शेडी एरिया में ही रखेंगे, और 6 से 7 दिन बाद भी आप इसको किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ बहुत हल्की सी छन के इसको इनडायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी देर की मिल जाए। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आप इसको शेडी प्लेस में ही रखिए, जब तक आपको कटिंग में कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं देती।
इस तरीके से आप भी जो है फ्री में कटिंग्स को ला के और लगा के खूब सारे प्लांट्स आप घर में ही तैयार कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।